जम्मू के कोट बलवाल से एक बार फिर से सुरक्षा चूक का एक बड़ा मामला जो है वो सामने आया है। अगर आप इस खबर को सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार जम्मू की कोट बलवाल जेल के अंदर जो है वो ये क्या चल रहा है। जम्मू की कोट बलवाल जेल की अगर बात करें तो एक ऐसी बड़ी जेल है, यहाँ पर कई सारे ये कहें कि जो बड़े बड़े जो अलगावादी जो है वो इसमें बंद हैं, और आपको बताते चलें कि कई जो विदेशी आतंकवादी हैं वो और कश्मीर के अलगावादी जो है वो इसमें बंद है। लेकिन ऐसे में जेल में इस तरह की सुरक्षा चूक जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही की ओर जो है वो इशारा करती हुई जो है वो नजर आ रही है। एक बार फिर से जम्मू की कोट बलवाल जेल में बड़ी सुरक्षा चूक जो है वो सामने आई है। यहाँ पर आपको बताने चलें कि कैदियों की बैरक से एक बार फिर से जो है वो एक टूटा हुआ मोबाइल फोन जो है वो बरामद हुआ है, और इस मोबाइल फोन को फिलहाल के लिए साइबर सेल के पास जो है वो भेज दिया गया है। लेकिन वहीं जेल परिसर में ये सीआईएसएफ की ओर से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। मौजूदा समय में अगर इस जेल की बात करें तो यहाँ पर कई सारे खूंखार जो विदेशी आतंकवादी हैं वो जो है वो उसके साथ साथ जो कश्मीर के अलगावादी जो है वो इसमें बंद है। लेकिन ऐसे में जेल में इस तरह की सुरक्षा चूक जो है वो कहीं ना कहीं ये कहीं कि सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही की ओर जो है वो इशारा यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले की बात करें तो कई बार जो है वो जम्मू की कोट बलवाल जेल के अंदर से जो है वो मोबाइल फोन यहाँ पर जो है वो बरामद किए जाते रहे, और कई बार जो है वो चिट्टे जैसे नशीले पदार्थ भी यहाँ पर जो है वो बरामद किए गए हैं। लेकिन ऐसे में पुलिस थाना ग्रोटा के SHO जो अर्जुन मगोत्रा है, उनका ये कहना है कि जेल परिसर से जो मिला मोबाइल फोन जो है वो टूटा हुआ है, और उसमें जो सिम कार्ड है वो भी जो है वो नहीं है। लेकिन हालांकि इस मोबाइल फोन को साइबर सेल के पास जो है वो भेज दिया गया है, और यहाँ पर जांच की जा रही है कि आखिरकार ये फोन जो है वो यहाँ पर किस तरह से पहुंचा और क्या इस फोन को यहाँ पर चलाया गया है या फिर नहीं चलाया गया है। और आपको बताने चलें कि जो SP हैं ब्रजेश शर्मा जी ग्रामीण जम्मू के, उनका ये कहना है कि बैरक में जो मोबाइल फोन मिलने की जानकारी जो मिली है इसकी जांच जो है वो की जा रही है कि कैसे जो है वो ये संवेदनशील जेल में जो है वो ये मोबाइल फोन यहाँ पर पहुंचा है। लेकिन आपको बताने चलें कि सेंट्रल जेल कोट बलवाल में स्मार्टफोन मिलने की घटना जो है वो सामने आई है, और ऐसे में जेल में कैदियों की बैरक से मोबाइल मिलने से पहले भी जेल से मोबाइल फोन जो है मिले हैं। और ऐसे में जनवरी महीने की बात करें तो कोट बलवाल जेल से 2 स्मार्टफोन जो है वो मिले थे, और ऐसे में इसके एक मोबाइल फोन तो जेल में बंद आतंकवादियों के पास से जो है वो मिला था। लेकिन ऐसे में आपको बताने चलें कि 10 जनवरी को कोट बलवाल जेल में 2 मोबाइल फोन मिलने से हड़कंप मच गया था, और तब कैदियों द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है वो किया जाना सुरक्षा में एक बड़ी चूक जो है वो माना गया था। लेकिन हालांकि इस मामले में जेल विभाग की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाएगी इसकी जानकारी जो है फिलहाल अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन इससे पहले मई 2023 की बात करें तो मई महीने की 2023 में कोट बलवाल जेल की दीवार के पास मोबाइल फोन जो है मिला था, और जुलाई 2021 की बात करें तो भी जेल में मोबाइल फोन और सिम कार्ड जो है वो मिला था। कैदियों द्वारा जो है वो ये कहें कि मोबाइल फोन इस्तेमाल किए जाने की खुफिया जो जानकारी है वो मिली थी, और इसके बाद पुलिस और अपराध जो जांच विभाग है यानी कि CID है उसके द्वारा जो है वो एक दल ने छापे मारे थे, और जिसमें 12 मोबाइल फोन और सिम कार्ड जो है वो बरामद किए गए थे। लेकिन एक और ये कहें कि सुरक्षा चूक से जुड़ा ये मामला जो है वो जम्मू से सामने आ रहा है। यहाँ पर आपको बताने चलें कि एक उच्च सुरक्षा वाली जो कोट बलवाल जेल है यहाँ से मोबाइल फोन मिलने की एक के बाद एक घटना में जो है वो सुरक्षा को लेकर एक कई सारे जो है वो सवाल यहाँ पर जो है वो खड़े होते नजर आ रहे हैं कि बीते 2 महीने से जेल में जो है मोबाइल फोन या फिर नशे की जो खेप है वो मिलने से जुड़े 6 मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं, और 22 नवंबर 2023 को जो है वो जेल के अंदर हीरोइन जो है वो मिली थी। लेकिन ऐसे में 28 नवंबर को भी नशे की खेप जो है वो मिली थी जिसे जेल की दीवार के बाहर से जो है फेंका गया था। लेकिन ऐसे में 2 जनवरी को जेल के अंदर परिसर में जो है वो मोबाइल फोन मिला था, और 2 जनवरी को एक कैदी के पास जबकि खाली जगह से 2 मोबाइल फोन भी जो है मिले थे, और इसी के साथ साथ इस तरह 11 जनवरी को भी जो है वो मोबाइल फोन मिला था। लेकिन जो अभी की ताजा तरीन अपडेट सामने आ रही है कि कोट बलवाल जेल में कई खूंखार यहां पर विदेशी आतंकियों सहित कश्मीर के कई सारे अलगावादी वहां पर बंद हैं, और ऐसे में जेल से इस तरह की सुरक्षा चूक जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही की ओर यहां पर जो है वो इशारा कर रही है। तो फिलहाल आप जनता भी अपने सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी लापरवाही जो है वो यहां पर देखने को मिली है, और इस पर जो है वो किस तरह का कदम जो है वो उठाने की जरूरत है। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।